हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य सिंह। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल गो ग्रीन विद ऑर्गेनिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेड कैबेज के बारे में, जो होता तो पर्पल है लेकिन इसका कॉमन नेम रेड कैबेज है, जिसे मैंने नवंबर में लगाया था। तो चलिए उसको हम देखते हैं और उसको हार्वेस्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम इसको हार्वेस्ट कर लिए हैं और आपको बता दें कि मैंने इसको नवंबर में लगाया था और मैंने इसमें फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें लीफ कंपोस्ट या फिर काउ डंग मैन्योर, जिसे कि गोबर की खाद कहते हैं, वही यूज़ किया गया था। किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया गया है और बढ़िया फर्टिलाइज़र पाने पर ये अपने आप को बाउंड करता है और काफ़ी अच्छा बॉल शेप में ये अपने आप को एडजस्ट किए हुए हैं। तो चलिए हम इसको, इसकी लीव्स को निकालते हैं, तब इसका नेचुरल कलर आपको मिलेगा। अब इसका नेचुरल कलर आना स्टार्ट हो गया है। नेम तो रेड कैबेज है इसका, लेकिन इसका नेचुरल कलर पर्पल है। इसको मैंने पहली बार लगाया है, जब मैंने इसको शुरू में लाया था, लोगों ने विश्वास नहीं किया कि हाँ पर्पल कैबेज भी होता है, क्योंकि अपने इंडिया में नॉर्मली ग्रीन कैबेज ही मिलता है। और अब धीरे धीरे जैसे कि इम्पोर्ट हो गया है, फिर कल्टीवेशन होगा और धीरे धीरे कुछ सालों में अपने यहाँ भी अच्छी तरह तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे कि लोग फार्मर्स इसको ग्रो करेंगे। देखने में काफ़ी अच्छा है ये कैबेज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।